तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटलेस की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेटलेस की सबसे पहले हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है, स्टेटलेस की प्रॉब्लम क्या है, एसटीटीपी स्टेटलेस से इससे क्या नुकसान होगा हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग, मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट होगा, ये क्लाइंट क्या करेगा, ये सर्वलेट, एक मैं सर्वलेट आऊंगा, सर्वलेट वन, ये क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वलेट वन को, और इस रिक्वेस्ट के साथ ये अपना एक नाम भेजेगा, रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे एक नेम भेज देगा, जो कि हम लोग यहाँ फील्ड बना के एक्सेप्ट करेंगे। सर्वर ये क्या करेगा, ये क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स भेजेगा, यहाँ पे क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स भेजेगा हेलो, और फिर उसका नाम दिखाएगा हेलो। अगर इसने भेजा है अपना नाम ए बी सी, तो यहाँ पे हेलो ए बी सी प्रिंट करेगा। उसके बाद ये प्रिंट करेगा गो टू सेकेंड सर्वलेट। अब ये चीज जो है ये क्लाइंट के स्क्रीन पे दिख रही है, विदेट में रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वापस जा चुका है, क्लाइंट अपनी स्क्रीन पे देख रहा है, और जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा एक सर्वलेट हमारा और होगा सर्वलेट टू, और जैसे ही ये बटन क्लिक करेगा सर्वर को दूसरी रिक्वेस्ट चली जाएगी रिक्वेस्ट टू, ये रिक्वेस्ट वन थी, और सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट इस रिक्वेस्ट में कोई नाम नहीं किया, उसने सिर्फ बटन क्लिक किया, और सर्वलेट क्या करेगा, वो नाम फिर से फेच करने की कोशिश करेगा, और वो प्रिंट करने की कोशिश करेगा हेलो, फिर नाम, और फिर प्रिंट करने की कोशिश करेगा वेलकम बैक टू माय वेबसाइट, या वेलकम बैक कर लेगा। इससे होगा क्या, क्लाइंट एक ही बार रिक्वेस्ट दे रहा है, और हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि जब आप कोशिश करके देखने वाले हैं, जब आप दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजते हो तो क्या ये नाम जो कि पहले रिक्वेस्ट में आया था वो नाम दूसरी बार सर्वलेट को जाता है, सर्वलेट निकाल पाता है उसे कि नहीं निकाल पाता। तो चलिए हम लोग नेटबीन्स आईडीई पे चलते हैं और वहां पे एक इंडेक्स पेज बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें एक नेम लेंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे सर्वलेट वन पे, और सर्वलेट वन पे एक बटन देंगे, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में बटन प्रिंट करेंगे जिससे क्लाइंट क्लिक करके जा सकेगा दूसरे सर्वलेट पे, और यहाँ भी नाम को फेच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेटबीन्स प्रोजेक्ट है और हमने यहाँ एक नया प्रोजेक्ट बनाया यूट्यूब वन, और इंडेक्स पेज पे हमने कुछ कोड लिखा हुआ, आपको मैं दिखा दूँ, मैंने एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म को भेजा है सर्वलेट वन पे, और इसमें एक बटन बनाई है जिसका नेम मैंने नेम रखा है, और मैंने सबमिट बटन बनाई है गो टू सर्वलेट वन, और इसका फॉन्ट थोड़ा सेट कर दिया, और हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम हियर। उसके बाद हम लोगों ने सर्वलेट वन बनाया, सर्वलेट वन में मैंने क्या किया है, एक ये सिंपल मैंने उस नाम को फेच किया है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की हेल्प से, नेम एट्रीब्यूट दे दिया, फेच होके नाम आ जाएगा, और फिर मैंने प्रिंट किया है हेलो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को बंद किया और एक्चुअल में नाम प्रिंट किया वेलकम टू माई वेबसाइट, तो ये अगर नाम एबीसी आएगा तो प्रिंट करेगा हेलो एबीसी वेलकम टू माई वेबसाइट। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, देखिए एक H1 प्रिंट कर रहा है, H1 में HRF प्रिंट करेगा, एंकर टैग में HRF में सर्वलेट 2 का ये लिंक दे देगा। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे सर्वलेट 2 ओपन हो जाएगा, सर्वलेट 2 पे मैंने एग्जैक्टली वही काम किया है, नेम को फेच करने की कोशिश की है और उसको प्रिंट किया है, बस मैंने किया क्या है, नेम के बाद वेलकम बैक लिख दिया, जिससे आपको पता चला ये सेकंड सर्वलेट है, और लास्ट में मैंने बटन नहीं प्रिंट किया, मैंने थैंक यू प्रिंट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोजेक्ट में और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे ये हमारा होम पेज है और यहाँ पे ये मांग रहा है एंटर योर नेम गो टू सेकंड सर्वलेट। तो नाम अगर हम देते हैं नाम देते हैं जॉन, और हम लोग गो टू फर्स्ट सर्वलेट पे क्लिक करते हैं, एग्जैक्टली सही चल रहा है, हेलो जॉन वेलकम टू माई वेबसाइट, पहला सर्वलेट, दैट मींस आपने सर्वर को फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, जब आप इसको क्लिक करोगे तो सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, जैसे आपने क्लिक किया अटैक, तो हुआ क्या, देखिए ये कह रहा है हेलो नल, दैट मींस सर्वर याद नहीं रख सका कि पहली बार में पहले रिक्वेस्ट के भेजते समय आपने कौन सा नाम भेजा था, इसीलिए इसने क्या दे दिया, नल दे दिया। इसका मतलब होता है जब आप साइमेंटेनियस रिक्वेस्ट भेजते रहते हो कई बार, तो जो डेटा एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर उसे नहीं याद रख पाता है, इसी को हम लोग स्टेटलेस, एसटीडी प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस है, सर्वर याद नहीं रख सकता, स्टेटलेस की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब हम लोग सेशन को ट्रैक करेंगे, दैट मीन्स हम लोग ये जो डेटा हम लोग पहले रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं ये सर्वर उस नेम को याद रखेगा विद द हेल्प ऑफ दोज फोर टेक्निक्स जो मैंने बताई थी, कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड्स, सेशन एंड रिवायरल राइटिंग। जैसे ही आप सेकंड गो टू सेकंड सर्वलेट पे क्लिक करोगे, क्योंकि सर्वर को याद है तो वो नाम यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा। ये हम बेसिकली सेशन ट्रैकिंग से करते हैं, जो डेटा आपने एक रिक्वेस्ट में भेजा था
उसको हम लोग दूसरे तीसरे चौथे रिक्वेस्ट तक याद रख सकते हैं। इसी को हम लोग सेशन ट्रैकिंग बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने समझा प्रैक्टिकली कि प्रॉब्लम क्या है और उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ट्रैकिंग सेशन ट्रैकिंग टेक्निक सीखने वाले हैं और सीखते समय हम लोग पहले थ्योरी सीखेंगे क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिकली उसको देखेंगे भी सेशन को कैसे ट्रैक करना है और इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।